देखिए ये डिबेट हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ये होने का तो नहीं है नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसे कुछ सोल्यूशन लेके आना है। कोचेज बैठे हुए हैं, पीसीबी में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं और उनको कोई कुछ सोच से समझ के कुछ करना है। अगर हम एक ही तरह चलते रहेंगे तो भाई फिर जो होना है जाके ऑस्ट्रेलिया में वो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर उससे पहले हम कुछ ऐसी प्लानिंग करें, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे जो है ना पाकिस्तान एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंचे। और जब आपको पता है कि सेमीफाइनल में आते हैं टोटल लक की गेम होती है, आपका एक बॉलिंग का स्पेल, एक बैटर की अच्छी परफॉर्मेंस और आप वर्ल्ड कप आपके आते हैं। लेकिन थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, कुछ नंबर्स ऊपर नीचे करने पड़ेंगे और क्रिकेट सेक्रीफाइसेस का ही गेम है। और जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हो, अपने मुल्क की टीम के लिए खेलते हो, तो फिर ये नहीं होता कि मैं मुझे यहीं खेलना है और मुझे इसी स्टाइल से खेलना है। आपको अपना स्टाइल चेंज करना है अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए और जो 24-25 करोड़ आवाम बैठी हुई है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से अगर ये सोच होगी और जब आप टीम के लिए खेलोगे और थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई अपने लिए खेल लें। ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम परफॉर्म करें, ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद रिजवान करें, ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद और प्लेयर्स करें। हर प्लेयर को परफॉर्मेंस का मौका मिले और वो अगर मैच विनर आपकी टीम में मैच विनर मौजूद है, हमने अभी रिसेंट पास में देखा कि जिस तरह एशिया कप में आपके पास मैच विनर मौजूद थे। लेकिन एक ही प्लानिंग से आप ये नहीं खेल सकते। अगर आप ये सोचें कि एक ही प्लानिंग से हम हर टीम के खिलाफ खेलेंगे तो ऐसा नहीं होने का। आपको हर टीम के खिलाफ कुछ ना कुछ उस मैार की क्रिकेट खेलने, क्योंकि अभी आप आगे जाके हमने ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे, हमने वेस्ट इंडीज़ को फेस करना है जो कि बहुत डायनेमिक एक टीम है। उसके बाद अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो वो दोबारा वापस आ रही है, फिर इंडिया वहाँ मौजूद है, अफगानिस्तान की हमने मैचेस देख लिए कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप में जिस तरह बर्मिंघम में मैं खर्च हूँ मैच था, कितना क्लोज वो मैच हम हारते हारते जीत चले। और अभी एशिया कप में अगर ये देखें, ये हमारे जो है ना एक सोचने का मकाम है। देखिए हम अगर अब ये बात करते हैं, ये हर दफ़ा हमारा रोना रोता है कि चेंज कर लें। लास्ट एक एपिसोड हम कर चुके हैं कि इसी तरह टीम चेंज हुई थी। मेरे ख्याल से देखें ये अपने आप को एम्बैरस नहीं करें, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट को एम्बैरस ना करें, अपने आप को एम्बैरस ना करें कि सडनली हम दो दिन पहले टीम चेंज कर देंगे। आपके पास यही प्लेयर है। मेरे ख्याल से हमारे कोचेस को, हमारे कैप्टन को, पीसीबी को, इन्हीं प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करना है। और यही प्लेयर हैं आपके पास, कहीं और प्लेयर नहीं आएंगे, कहीं और से प्लेयर नहीं आ सकते। ये बेस्ट बेंच है आपके पास, मेरे ख्याल से इसको अच्छा यूटिलाइज़ करें। थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है कि अगर आपके आखिरी प्लेयर आपको मैच जिता रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, अच्छी प्लानिंग बनाएं और मुनासिब टीम खिलाएं और प्रॉपर रेस्ट देके बॉलर्स को, बैट्समैन को, अगर वो ऐसे इस टीम से इस प्लानिंग से खेलेंगे तो आई होप कि पाकिस्तान टीम से फाइनल तक पहुंचे और उसके बाद फिर वो फाइनल है, उसके बाद आपका आपके हाथ में। लास्ट में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इस टीम को कैसा रेट करते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर बाउंसी ट्रैक्स, फास्ट ट्रैक्स होते हैं। अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 3 साल पहले खेला था, देखें टीम के मुताबिक कैसे? मेरे ख्याल से देखें ये प्लेयर अभी बहुत सारे प्लेयर बिग बैश खेल के आए हैं, खेलते रहे और खेलेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा कंडीशन की कोई इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट है। अगर आप, मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हो या वनडे की क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो फिर तो समझ में आता है कि आपको 50 ओवर खेलने या 4-5 दिन जो है आपको खेलना है, तो फिर तो समझ में आता है। T20 की जितनी अच्छी पिचेस ऑस्ट्रेलिया की होती है हमने सब देख लिया, बिग बैश में हमारे प्लेयर्स गए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज करते रहे और अभी फिर कुछ प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चला है। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि आपको समझ से, आपको सेक्रीफाइसेस करके आपको टीम को शक्ल में डालना है कि वो आपकी 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 विनिंग की तरफ चली जाए।